राम के प्रति भक्ति व आस्था का जबरदस्त जो आगाम है वो आज भारत के गांव में लेकर देश दुनिया तक विद्यमान है। इसी के कारण ज्वलंत उदाहरण मथानिया क्षेत्र के जुड़ गांव में नजर आया, जहां पर कोरोना वॉरियर्स लोक छात्र व मानव अधिकार संरक्षण जिला महासचिव भजन लाल विश्नोई के साथ तीसरे के साथ छात्र जो है प्रवीण विश्नोई ने मिशन ग्रीन इंडिया के तहत वन महोत्सव के अवसर पर अपने मामा के साथ 101 पौधा राम वृक्ष का लगाया, जिसमें समय अयोध्या में राम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हो रहा, ठीक उसी वक्त अपने ननिहाल ऐतिहासिक व यादगार पल में राम वृक्ष का पौधा लगाया गया। भजनलाल विश्नोई ने इस अवसर पर कहा कि छोटे बच्चों को प्रकृति प्रेम से जोड़ने के लिए उनके साथ पौधे जरूर लगाना चाहिए। विश्नोई ने 2 वर्ष पहले फलदार नींबू, अनार, बादाम व करेला के पौधे लगाए थे, जिसको रोजाना पानी पिलाते हैं, जो अब फल देने की कगार पर है। इस मानसून सीजन में भी अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर 100 पौधे लगाए कर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। पेड़ पौधे हानिकारक गैस को अब्सॉर्ब कर ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करते हैं। पेड़ अधिक होने से प्रदूषण भी कम होगा। यह अभियान एलिट फाउंडेशन एवं मानव अधिकार संरक्षण के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा पर्यावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से मानसून सीजन में चलाया जा रहा है, तथा राजस्थान में जोधपुर संभागीय अध्यक्ष पुखराज दिवारे के निर्देशन में सघन पौधारोपण किया जा रहा है।